बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं रमज़ान की स्पेशल रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। स्पेशल रेसिपी वो है, ये है कि हम एक बार बनाएंगे तो पूरा रमज़ान आसानी से हम इस्तेमाल कर सकेंगे। आज मैं बना रही हूँ बेसन की बूंदी। बेसन लिया मैंने 2 कप और ये थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन को साफ करके रख ली है क्योंकि ये इसमें ज़रूरी होती है, चाहे आप पकौड़े बना रहे हैं चाहे आप समोसे बना रहे हैं, इसको आपने इसका इस्तेमाल जो है वो निज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मसाला मैंने लिया है 1/2 चम्मच, मैंने नमक लिया है 1/2 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, मिक्स मसाले 1/2 चम्मच, काली मिर्च मैंने ली है। पहले सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे। और सबसे पहले हमने सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और आपने इसको पानी में चेक कर लेना है। ये भी थोड़े से मैंने पानी लिया, अब इसको मैं चेक करती हूँ। तो बिल्कुल हमारा बेसन जो है वो तैयार हो गया है। तो ये मैंने बोतल ली है और इस बोतल में मैं बेसन डालूंगी तो इसके साथ मैं बूंदी बनाऊंगी। बेसन मैंने बोतल में डाल लिया है तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म करने देना, ज़्यादा नहीं गर्म करना क्योंकि ये हमारी जो बूंदी होगी वो जल जाएगी। तो अब इसके साथ आसानी से आप ऐसे करके बना सकते हैं। तेज आंच पर पकाने से ये जल जाते हैं और अंदर बाहर से ये जल जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आपने इनको हल्की आंच पर पकाना है और गोल्डन फ्राई होने तक आपने इनको पकाना है। तो ये देखिए मेरी बेसन की बूंदी तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।